रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। इसके सिलसिले में आज वक्फ के ऊपर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो लाइन ग्राबर्स मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं उसके साथ वक्फ के सदर नशीन जनाब सलीम साहब का हाथ है। yes. और उन्होंने लाइन ग्राबर्स को सपोर्ट करते हुए रात रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। और मल्ली सत्यादुल मुस्लिमीन यही बोलना चाहती है कि एक बार जब अल्लाह का घर बन जाता है तो सुए क़यामत तक वो अल्लाह का घर रहता है। आज यहाँ पर मस्जिदों को जो डिमोलिशन करे हैं, मस्जिद को शहीद किए हैं, इसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब हैं। और रात में मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मस्जिद का मायना किया और शामिल पेट पीएस में जाकर एहतजाज किए। रात में करे बात वो लाइन गिराबर्स के ऊपर केस बुक करते हैं मगर लाइन गिराबर्स को गिरफ्तार नहीं करते हैं, ये गोसी पालसी है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मसले में बहुत सीरियस है और सदर मोहतरम हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात कर रहे हैं। उसी जगह पर मस्जिद तामीर होना, और नहीं तो इसके नतायज बहुत बुरे निकलेंगे। आज ये धरना सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पर दिया गया है और इसके बाद एहतजाज बुलंद होगा। और कहां कहां पर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोग जाकर धरने देंगे, क्योंकि मल्ली सत्यादुल मुस्लिमीन रुको आ चुकी है कि इस तरीके से मस्जिदों को डॉन डॉन